Happy Indian Army Day. We celebrate this day on 15th of January every year in recognition of our first field marshal K.M. Kariyappa. East India Company के बाद अपने जब भारत आजाद हुई तो ब्रिटिश आर्मी के बाद अपनी इंडियन आर्मी बनी जिसे नेशनल इंडियन आर्मी कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश के सबसे लास्ट जनरल थे फ्रांसिस बूचर, उनको हटा करके इंडिया का सबसे पहला कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया ऑन 15th ऑफ जनवरी 1949 में, जो थे अपने फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा। और इस दिन के बाद हर साल हम इस दिन को एज अ इंडियन नेशनल आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज अवर 74th इंडियन आर्मी डे। मैं इस इंफॉर्मेशन को इसलिए लेके आया हूं ताकि हम सब वो सारी कुर्बानियां याद रख सकें, वो सारी सैक्रिफाइसेस याद रख सकें जो हर एक आर्मी ऑफिसर, हर एक सोल्जर अभी हमारे लिए कर रहा है। हम आज की ऐसी दुनिया में जहां कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता, आज आजू बाजू आप देखोगे तो कभी भी कोई भी किसी के लिए आपको सैक्रिफाइस करता हुआ नहीं दिखेगा। तो मैं आज इस दिन ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोग सबको वो सारे सैक्रिफाइसेस याद रख सकें जो हर एक सोल्जर, हर एक आर्मी ऑफिसर करता है। न जाने वो कितने सैक्रिफाइसेस करता है अपनी इस भारत भूमि के लिए, हमारे लिए, ताकि आप और हम आसानी से रह सकें, अच्छे से रह सकें, सिक्योर फील कर सकें, है ना, हमें किसी चीज की टेंशन ना हो। तो मैं चाहूंगा कि आप और मैं, हम सब मिलकर के उन सभी आर्मी ऑफिसर्स का, उन सारे सोल्जर्स का धन्यवाद करें, उन सारे सोल्जर्स को आज याद करें जिन्होंने पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं हमारे लिए और आज भी लड़ रहे हैं, आज भी हमारे लिए वो बॉर्डर में खड़े हैं बंदूक लेकर के, उन्होंने सारी सैक्रिफाइसेस कर दिए ताकि आप और मैं अच्छे से रह पाएं। तो आज का दिन, ये आज का जो सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा दिन है ताकि हम उन सबको थैंक यू बोल पाएं, हम उन सबको याद कर पाएं जिन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं आज की इस दुनिया में जहां कोई किसी के लिए कोई सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। तो थोड़ा सा सीखिए, थोड़ा सा सैक्रिफाइस, अगर आपके थोड़े से सैक्रिफाइस से किसी की मदद हो सकती है तो जरूर कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि सभी कोई आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिनके अंदर है इतना सैक्रिफाइस करने का वो आर्मी जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कैडेट्स हैं, जो आर्मी स्कूलों में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए मैं सच में दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। उन सभी आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा जिन्होंने ये डिसीजन लिया और वो अपने देश के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए निछावर हो गए। उन्होंने अपने देश के लिए ड्यूटी करना सबसे पहले समझा रेदर देन बाकी सारी सुख सुविधाओं से। तो बस आज यही कहूंगा कि उनसे कुछ सीखिए, उन सारे सोल्जर से, उन सारी आर्मी से आज आप कुछ सीखिए कि भैया सैक्रिफाइस करने से कोई छोटा नहीं होता, या अगर आपने कोई सैक्रिफाइस कर दिया तो उससे आपका कुछ लॉस होगा। सैक्रिफाइस हमेशा आपके अंदर पॉजिटिव बदलाव लेकर के आएगा। तो अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। याद रखिए, कोई सब कुछ अपना सैक्रिफाइस करके आपकी सिक्योरिटी का ध्यान दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस देश के लिए कुछ करें, आप किसी की हेल्प करें या जब भी कोई मदद के लिए आए आप उनकी। बस यही आपको आज याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मैं आप सबको गाइड करता रहूंगा ताकि आप लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल, आर्मी ऑफिसर, मिलिट्री स्कूल वगैरह में जाना चाहते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड होगा कि अगर मैं उसका थोड़ा सा भी पार्ट बन सकूं, आपकी पढ़ाई का थोड़ा सा भी पार्ट बन सकूं ताकि मैं आप सबको ट्रेन कर सकूं कि आप लोग ऐसे स्कूलों में जाएं जहां पर आपको एक आर्मी बनने की ट्रेनिंग दी जाए, आपको ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग दी जाए और आपके अंदर वो देश की भावनाएं, वो देशभक्ति की भावनाएं कुट कुट के भरी जाए, ठीक है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सो हैप्पी इंडियन आर्मी डे। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। जय हिंद।